पे लॉन्ग टर्म शेयर सेल्टेस में, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। आज हम यहाँ पे कमेंट्स पे वीडियो बनाएंगे। ज्योति प्रकाश प्रधान जी ने पूछा है कि थैंक्स फॉर गुड इन्फॉर्मेशंस, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन बिरला प्रिसीजन टेक्नोलॉजी। तो बिरला ग्रुप की एक माइक्रो कैप कंपनी है जो मशीनरी के कलपुर्जे बनाती है, टूल्स जिन्हें कहते हैं, और ये उनके प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग मशीनरीज में इस्तेमाल होते हैं। और अपने हाई से काफ़ी नीचे आ चुका है ये स्टॉक। एक अच्छे ग्रुप की कंपनी है, सब्सिडरी है, तो इसके फंडामेंटल्स भी देखते हैं और अभी किस भाव पे है ये जान लेते हैं। बिरला प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये BSE पे लिस्टेड है, NSE पे नहीं है। जून 24, 2019 12:13 पे जो अभी भाव करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, 8 रुपये 63 पैसे के आसपास, और साल का लो था 7 रुपये 27 पैसे, हाई बनाया था 20 रुपये 15 पैसे तक। अगर हम एक साल का यहाँ पे चार्ट देखते हैं किस प्रकार के उथल पुथल रही है, तो यहाँ नीचे 7 रुपये के आसपास से शुरुआत होकर फिर यहाँ चलता गया और यहाँ ज़बरदस्त उछाल हुई थी इसके, सीधे आके हाई बनाया था इसने 20 रुपये 15 पैसे, फिर यहाँ पे ऊपर नीचे होते हुए ख़रीदारी और बिकवाली चलती रही, और अब जाके ये यहाँ पे करंट भाव पे लो बनाया था 7 रुपये 27 पैसे, और आज 8 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत छोटी कंपनी, 47 करोड़ की मात्र जिसका मार्केट कैप है, अब बचा है 47 करोड़, और EPS 1.66 भी थोड़ा सा कम है। पी रेशियो भी आकर्षक है, नो डाउट, इस समय 5.20 का है, बुक वैल्यू 20 की है, तो बुक वैल्यू से जिस प्रकार से कंपनी की नेटवर्थ है उस हिसाब से स्टॉक प्राइस काफ़ी कम है, और बुक वैल्यू से भी नीचे है। प्राइस टू बुक 0.42, ये भी ठीक है। इंडस्ट्री पी है 20 के, तो इंडस्ट्री पी के हिसाब से 5 पी इसकी कंपनी की है, तो भी सही लग रहा है। फेस वैल्यू 2 की है, और डिलीवरेबल, बाप रे, यहाँ तो भर रखा लोगों ने, 98.99% के आसपास है, तो माल ही ख़त्म होने को है। एनीवेज, ज़बरदस्त डिलीवरी है, और नेट सेल्स हम ईयर ऑन ईयर के भी देखेंगे, लेकिन हम पहले कर्ज़ा देख लें कि 27 करोड़ का है, जो कि ठीक है, चलो मानते हैं, क्योंकि कर्ज़ा थोड़ा ज़्यादा है। और अगर हम दिसंबर 18 से मार्च 19 के जो क्वार्टर के रिजल्ट यहाँ पे देख रहे हैं, तभी ये इतना नीचे साइड में है, इतना डाउन साइड है स्टॉक प्राइस, क्योंकि इसके रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं आए हैं। देखिए, दिसंबर 18 में जो इसकी नेट सेल्स थी 61 करोड़ के आसपास, सीधे 52 करोड़ की हो गई मार्च 19 में, और नेट प्रॉफिट में भी जहाँ 3 करोड़, 3.5 करोड़ के आसपास थी दिसंबर 18 में, वहीं सीधे नेगेटिव में आ गए 0.23, यानी 106% नेगेटिव में परसेंट, और मार्जिन में भी यहाँ पे 9.43 नेगेटिव में है। चलिए हम ईयर ऑन ईयर भी देख लेते हैं, और मार्च 18 से मार्च 19 में कंपेयर कर रहे हैं, तो भी नेट सेल्स में 5.64% की डाउन साइड है, और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे नेगेटिव में डाउन साइड है 112% के आसपास, मार्जिन में भी 6.61% की डाउन साइड है। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली दोनों रिजल्ट्स बेकार आए हैं इस कंपनी के। इसी वजह से एक साल के हाई से 20 रुपये के आसपास से आज ये 8 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, और अब देखना होगा कि जो अगले रिजल्ट्स आएंगे, अगर उनमें ये बेहतर परफॉर्म करता है, अगर रिजल्ट्स इसके बढ़े आए और प्रॉफिट इसका प्लस में आया, तो इसमें कोई गुंजाइश बनती है। कंपनी तो बढ़िया है, कंपनी एक अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है, बिरला ग्रुप से, लेकिन इसके जब नतीजे ही अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इसमें कैसे पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इसमें कोई बाइंग की सलाह नहीं है, भले ही कितना आकर्षक क्यों ना हो, क्योंकि जब कंपनी खुद नहीं कमा पा रही है तो कैसे आपको रिटर्न मिलेगा। सिंपल सी बात है, जानने वाली बात है, समझने वाली बात है। फाइनेंशियल ट्रेंड भी अगर हम देखते हैं तो नेगेटिव में है अभी, और रिटर्न अगर हम देखते हैं रिटर्न वाइज,
10 सालों में 55% की डाउनसाइड यानी नेगेटिव में रिटर्न है, लेकिन 5 सालों में 128% के पॉजिटिव रिटर्न, 4 सालों में 247% यानी 250 के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न है, 3 सालों में भी 198% यानी 200% के आसपास के बढ़िया रिटर्न है, 2 सालों में भी 150% के रिटर्न है, 1 साल में भी देखिए जिन्होंने पैसे लगाए तो उनको FD वाला रेट मिल रहा है वर्तमान समय। तो खैर नुकसान तो बहुत ज़्यादा नहीं, ये एक सुखद बात है कि जिन्होंने पैसे डाले थे 1 साल पहले भी उनको भी पॉजिटिव में रिटर्न मिल रहा है, लेकिन जिन्होंने एयरटेल रेट यानी जनवरी से पैसे लगाए थे या 6 मंथ से पैसे लगाए थे उनको, 3 महीने पहले जिन्होंने पैसे लगाए, 1 मंथ पहले जिन्होंने पैसे लगाए उनको करीब करीब 50% के आसपास का डाउनसाइड, 1 वीक में भी यहाँ पे 2.60% के नेगेटिव में रिटर्न, लेकिन 1 डे यानी आज यहाँ पे 5% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं जो कि यहाँ पे 41 पैसे की बढ़त है। तो ये रही हाल फिलहाल स्थिति इसकी। रिजल्ट्स बहुत ख़राब आए हैं, कंपनी मशीनरी कलपुर्जे बनाती है, बढ़िया ग्रुप की कंपनी है और हर हिसाब से एक बहुत छोटी कंपनी माइक्रो कैप है, और उस लिहाज से पी रेशियो हो चाहे बुक वैल्यू हो उस हिसाब से तो आकर्षक लग रही है, एक पेनी स्टॉक बन के रह गया है। तो अब इसमें जो लोग इंटरेस्टेड हैं ख़रीदारी के तो वो थोड़ा चाहें तो रुक जाएं आगे आने वाले रिजल्ट्स के नतीजे देखने, क्योंकि अगर कंपनी कमा नहीं रही है, मेरा सिंपल सा फंडा है, तो पैसे लगाने का कोई मतलब है नहीं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में चलते हैं तो प्रमोटर्स के पास 51% के आसपास की होल्डिंग है और गिरवी रखे हुए ना शेयर सिर्फ 0.47%, यानी बहुत माइनर, ना के बराबर। इंडिविजुअल्स लोगों ने भर रखे हैं 37.13% के आसपास इनकी ज़बरदस्त होल्डिंग है और ये डिविडेंड पे नहीं करता। अगर हम यहाँ देखते हैं डिविडेंड इसने 0.10 पैसे पर शेयर के हिसाब से 2009 में दिए थे, 2009 से यानी करीब करीब 10 सालों से इसने कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। और बाकी आपने प्रोडक्ट्स देख ही लिए, तो चलिए आज मैं वीडियो यहीं वाइंड अप करता हूँ। फ्रेंड्स अपने सूझबूझ के हिसाब से इसमें जो भी डिसीजन लें आप लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।